क्या आपको भी स्विमिंग पूल में दिखता है सब धुंधला धुंधला? तो चलिए चलते हैं डीकैथलॉन के स्टोर में और घर ले आते हैं नवाई जी का पावर यानी कि ऑप्टिकल स्विमिंग गॉगल। डीकैथलॉन स्टोर और मेरे हाथ में है ये मैजिक प्रोडक्ट जिससे आपको साफ साफ दिखेगा कि आप कहां जा रहे हो, लाइफ में नहीं पूल में। मैं जरा आधे घंटे की वीडियो शूट कर रहा हूँ, आवाज बस कम कर लो थोड़ी। Let's begin. क्या ये गॉगल्स आपको नाइट टाइम में विजिबिलिटी देंगे भी कि नहीं? क्या ये अफोर्डेबल है या फिर सुपर एक्सपेंसिव? वाटर टाइट सील है या नहीं? फॉग तो नहीं जमता है ना? इसके रबर स्ट्रैप्स की क्वालिटी? इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि हाय गाइस कस है रिच है भल है रो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नाइट टाइम विजिबिलिटी की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना अच्छा ये डे टाइम में परफॉर्म करता है उतना ही अच्छा ये नाइट टाइम में भी परफॉर्म करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि रोकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मुझे 899 रुपीस का पड़ा, विच इज अ गुड डील, क्योंकि अगर आप मार्केट में स्विमिंग गॉगल्स लेने जाते हो वो भी पावर्ड वाले, तो आराम से 1500 से 2000 के बीच का चूना आपको लग सकता है। तो भैया अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इससे पहले दो स्विमिंग गॉगल्स खरीद रखे थे बिना पावर के लोकल शॉप से और उनकी क्वालिटी टेरेबल थी, बट दिस प्रोडक्ट I love this. ये स्टेबल है और उसी के साथ काफी कंफर्टेबल भी। जो इसके रबर स्ट्रैप्स है वो काफी कंफर्टेबल है और 100% एडजस्टेबल है, तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इससे इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। और जो इसका नोज ब्रिज भी दिया गया है उसमें भी काफी सारी सेटिंग्स है, तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका प्लास्टिक जो चाहे स्ट्रैप्स में लगी है या फिर नोज ब्रिज के आसपास लगी है, दैट इज ऑल्सो ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, तो वही प्रोडक्ट टिकेगा और चलेगा भी लंबा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसकी लेंसेस के बारे में, जिसके लिए हम लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके लेंसेज आते हैं -2 से लेकर -6 की पावर के बीच में। एक टिप्पणी जो कंपनी देती है वो है चूज अ लेवल ऑफ करेक्शन लोअर और इक्वल टू योर प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको मायोपिया है या फिर नियर और शॉर्ट साइटेडनेस है, पास का तो दिखता है मगर दूर का दिखने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसके लेंसेज आपको 100% सेटिस्फाई करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, इसके लेंसेज मुझे चश्मे जैसी क्लैरिटी देते हैं और मुझे इसे यूज करते हुए पूरे 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते में इसकी लेंस के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं डेवलप हुआ, विच मीन्स द लेंस कोटिंग इज कमेंडेबल। और इसकी कंपनी एक और दावा करती है कि जो भी ये ग्लासेस होते हैं, जो इनके लेंसेज होते हैं, वो एंटी फॉग ट्रीटमेंट के थ्रू पास किए जाते हैं, तो ये कंप्लीटली फॉग फ्री गॉगल्स है। बट क्या ये सच है? Is that really true? Tell me the truth. मेरे अकॉर्डिंग ये 80% फॉग फ्री है, क्योंकि इसके पहले जो मैं गॉगल्स यूज करता था उसमें हर राउंड के बाद लिटरली मुझे क्लीन करना पड़ता था क्योंकि इतना फॉग जम जाता था। बट इन दिस गॉगल्स आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, तो कंपनी के थ्रू एक एंटी फॉग मार्कर प्रोवाइड किया जाता है। क्या इसकी सील वाटर टाइट है?
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस गॉगल्स को सही से नहीं पहनेंगे तो भले ही ये वाटर टाइट सील है, फिर भी आपकी आंखों में पानी जाएगा, आंखें बंद होगी और आपको स्विमिंग करने में प्रॉब्लम होगी। इसकी कंपनी के अकॉर्डिंग इन गॉगल्स पर कंप्रेशन सील प्रोवाइड की जाती है, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कभी कभार आपकी आंखों में पानी चला जाता है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी आप इन गॉगल्स को पहने तो हल्का सा ना लाइटली प्रेस कीजिएगा गॉगल्स को अपने फेस की डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, एक सक्शन इफेक्ट बनेगा और एक वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने से आपकी आंखों में पानी नहीं जाएगा और आप आराम से स्विमिंग कर पाएंगे। वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज ये आपकी आंखों को सेफ एंड क्लीन रखेगा। क्या आपको पता है कि पब्लिक पूल्स में ना जाने कितने बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो आपको आई इन्फेक्शन दे सकते हैं। इन 2018 आई कॉट वन ऑफ दी आई इन्फेक्शन और मेरे डॉक्टर ने मुझे धमकी दी थी, लिटरली धमकी दी थी कि अगर तुम स्विमिंग पूल में बिना स्विमिंग गॉगल्स के गए तो मेरी क्लिनिक में दोबारा दिख मत जाना, दवाई लेने आ मत जाना। I am warning you, तो जब भी आप स्विमिंग पूल में जाए तो प्लीज यूज दीज गॉगल्स एंड स्टे प्रोटेक्टेड। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज इसकी फील्ड ऑफ विजन बहुत अच्छी है। इसकी कंपनी दावा करती है कि 120 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच में इसकी फील्ड ऑफ विजन है, तो आप चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी अपनी आंखें घुमाकर इजीली देख सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की लिमिटेशंस की। भाई साहब अच्छी बातें है ना तो बुरी बातें भी होनी ही होनी है। सबसे पहली लिमिटेशन, आपकी दोनों आंखों का पावर सेम होना चाहिए। भाई साहब ये क्या बात हुई, चलो मेरा तो दोनों आंखों का पावर सेम है तो मेरे लिए ये गॉगल्स काम कर गए। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी एक आंखों का पावर कुछ है, दूसरी आंखों का पावर कुछ है। ओए लक्ष्मण, सबकी आंखों का पावर सेम नहीं होता है भाई। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है कि ये 8 साल के नीचे बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट अगर आपकी एज 8 साल से ऊपर है तभी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने कुछ केयर प्रिकॉशंस डाल दिए हैं, आप प्लीज इसे पढ़िएगा। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। सो हेयर आई कंक्लूड दिस रिव्यू वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है इसके प्रोडक्ट की लिंक, आप डीकैथलॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसके रिव्यूज पढ़ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। Well, I see you later.